नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र एकेडमी में। मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, जब एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? आंसर इसका ऑप्शन बी, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अदिश राशि है। आंसर इसका ऑप्शन ए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की का ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। न्यूनतम ताप संभव है। आंसर इसका ऑप्शन ए, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। आंसर इसका ऑप्शन डी, 2 थीटा। निम्न में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी, निम्न में से किन जंतुओं में से रोमन्थी रूमिनेट जंतुओं का समुच्चय है? आंसर इसका ऑप्शन बी, भैंस गाय हिरण। रोमन्थी उन जंतुओं को कहते हैं जो जुबाली करते हैं, जैसे भैंस गाय हिरण आदि। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है? आंसर इसका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा? आंसर इसका ऑप्शन डी, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है? आंसर इसका ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जीव विज्ञान के जनक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? आंसर इसका ऑप्शन ए, व्यंजक चूर्ण बनता है।
जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 न्यूटन 10^5 डाइन के तुल्य है। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, यहाँ को होगा, आंसर है इसका ऑप्शन ए, टेरेरियम में। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो विलुप्त हो जाते हैं, जैसे कर्णपल्लव पेशियां। एंट अभीवा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम है? आंसर इसका ऑप्शन बी, पेचिस। फाइकस में परागण होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, कीटों के द्वारा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, 2 चुंबकीय बल रेखाएं। आंसर इसका ऑप्शन सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए संख्या होगी? आंसर इसका ऑप्शन डी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। घरों में लगे पंखे बल्ब कूलर आदि लगे होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी, समांतर क्रम में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आंसर इसका ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आंसर इसका ऑप्शन बी, रोंटजन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, गामा किरणें। ध्वनि का एक अविलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, आवृत्ति पर। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? आंसर इसका ऑप्शन बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कहते हैं। 9 नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? आंसर इसका ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल सोडा के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आशा करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद मित्रों।